श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास बाहर निकालते हुए एक साथ सेना भक्त मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें, ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हाथों को मिलाएं, आपस में रब करें, अपनी आंखों को लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। सभी को सादर प्रणाम। हम हठ योग प्रदीपिका पढ़ रहे हैं और हठ योग प्रदीपिका में हम फर्स्ट जो उपदेश है उस पर चर्चा कर रहे हैं। दो लेक्चर हो चुके हैं, थर्ड लेक्चर है इसके ऊपर। हम लोगों ने स्टार्टिंग में हठयोग का उद्देश्य जाना, राज्यों की प्राप्ति करना, गुरुओं के नाम पढ़े, 33 गुरुओं के नाम दिए हुए हैं जो परंपरा आधारित है, 6 साधक तत्व, 6 बाधक तत्वों को पढ़ा, 10 यम 10 नियमों को पढ़ा, आसनों के बारे में जाना कि कुल 15 आसनों का वर्णन हठयोग प्रदीपिका में है। 15 आसनों में से हम लोगों ने 11 आसन पढ़ लिए हैं। कल मैंने आपको 11 आसन करवा दिए थे आपके, मैंने 12 आसन करवा दिए थे, 3 आसन आपके बाकी हैं, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, 3 पेंडिंग रह गए हैं, ये मैं अभी करवा दूंगा। और उसके बाद में हमने पथ्य पथ्य करवा चुका हूँ, कैसा आहार खाना चाहिए, कैसा आहार नहीं खाना चाहिए, रोगी योगी का आचरण कैसे होना चाहिए, किस व्यक्ति को सिद्धि मिल सकती है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार चतुरंग योग का वर्णन है, स्वात्मा राम जी ने इसका रचना किया है हठयोग प्रदीपिका के 15वीं शताब्दी में। 4 अंग हैं, पहला अंग है आसन जिसका वर्णन पहले चैप्टर में किया गया है फर्स्ट उपदेश में। दूसरा अंग है कुंभक जिसका वर्णन द्वितीय उपदेश में किया गया है। तीसरा अंग है मुद्रा जिसका वर्णन तृतीय उपदेश में किया गया है। और चौथा अंग है नाद अनुसंधान जिसका वर्णन चतुर्थ उपदेश में किया गया है। तो इस प्रकार चतुरंग योग सभी अंगों को अलग अलग उपदेशों में बांट के लिखा गया है। तो आज हम पढ़ लेते हैं, अभी पहले तो 3 आसन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आज का हमारा कार्य रहेगा द्वितीय उपदेश में हम प्राण के बारे में जानें, प्राण क्या है, प्राण तत्व क्या है, और इसके बारे अलावा जो नाड़ियों में मल भर जाता है उनका कैसे शोधन करें, नाड़ी शोधन के बारे में वर्णन मिलता है द्वितीय चैप्टर में, उसको आज हम पढ़ेंगे। और षट कर्मों के बारे में जो 6 कर्म बताए गए हैं, धोती बस्ती नेति त्राटक कपाल भाति, इन 6 कर्मों के बारे में हम पढ़ेंगे आज। मेरी स्क्रीन बता देंगे क्या सब लोगों को विजिबल हो रही है क्या? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है जी, थैंक यू जी। ठीक है जी, आज हम पद्मासन शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 44 सभी लोग निकाल लें, जो बुक के 22 नंबर पेज पे दिया हुआ है श्लोक संख्या 44 निकाल लें सर, ये रहा। ठीक है,
पद्मासन के यहाँ पे कई विधियां दी गई है, हम इस सब विधियों को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, तो मैं हल्का सा पढ़ा देता हूँ आपको। उससे पहले एक बार मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए कि मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है पढ़ा समझने के अंदर इस तरीके से? नो सर, नो सर, नहीं सर, ठीक जा रही है। क्योंकि बाकी आप बाद में रिकॉर्डिंग में सुन भी सकते हो उन चीजों को, जो अगर छूट जाएगी तो। ठीक है जी सर, जी सर। वामम उपरि दक्षिणम च चरणम संस्थापय वामम तथा दक्षोरुपरि पश्चिमेन विधिना जित्वा करभ्यां दृढम अंगुष्ठौ हृदय निधाय चिभुकम् नासाग्रम अलोनाम पद्मासनम परुच्यते। इसका वर्णन क्या कहा कि वाम और ऊपरी, वाम और उरु यानी कि बाई जंघा के ऊपर, दक्षिणम च चरणम दाएं पैर को रख दो, बाई जंघा के ऊपर दाएं पैर को रख दो, संस्थापय वामम तथा, और दूसरा पैर भी इसी प्रकार रखो, मतलब कि एक दूसरी जंघा के ऊपर पैर को रख दो। ये रहा, ये देखो एक पैर को ऐसे एक जंघा पे रख दिया और दूसरे को दूसरे, देखो ये लेफ्ट थाई है, ये राइट थाई है, ठीक है, और ये राइट लेग है, ठीक है, और ये लेफ्ट लेग है। देखो हमने राइट लेग को लेफ्ट थाई पे रख दिया और लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रख दिया, उरु यानी कि जंघा के ऊपर रख दिया, ठीक है। और आगे क्या कहा गया है, पश्चिमेन विधिना, पश्चिम यानी कि पीछे की तरफ से, धृत्वा कराभ्याम दृढ़म, पीछे की तरफ से पैरों को पकड़ लीजिए, अंगुष्ठों अंगूठों को पकड़ लेना है। देखिए पिक्चर को, हाथ को पीछे से घुमाया, दिख रहा आपको, ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड घूम के गया पीछे और उसने लेफ्ट टो को पकड़ लिया। जीवन में कभी हो पाएगा पता नहीं सर, अभी तो नहीं हो पाएगा ये, लेकिन समझ लीजिए बच्चे तो कर लेंगे, आपको पता तो होना चाहिए। इसको बताओ माइक खोल के, इस आसन को आधुनिक समय में हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? पद्मासन। वेरी गुड, लेकिन आप ध्यान रखेंगे, लेकिन हाट्युग प्रदीपिका में इसको पद्मासन कहा है। बद पद्मासन तो आधुनिक लेकिन मूल श्लोक में, मूल श्लोक में देखिए, अरे माइक बंद कर लीजिए अपना, मूल श्लोक में यहाँ पे देखिए पद्मासनम परोच्चते, पद पद्मासन नहीं कहा है, पद्मासन कहा गया, इसका नाम ही पद्मासन है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और सेम श्लोक घेरण संहिता में भी यही है, एज इट इज, तो मतलब कि दोनों की दोनों पुस्तकों में बद पद्मासन को ही पद्मासन कहा है, अंगूठे पकड़ लेना, ये आसन आपको सबको पता भी होगा। अब और क्या करना है, देखिए हृदय निधाय चिबुकम, चिबुक यानी कि बताएंगे कौन चिबुक क्या होती है, कल बताई थी मैंने सर थोड़ी, चिबुक यानी कि ठुड्डी, चिन्ह, चिन्ह को बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। हृदय निधाय यानी कि एक तरीके से जालंधर बंद लगा लेना है, चिन्ह को नीचे हृदय स्थान पे लगाएंगे तो उसी को तो जालंधर बंद कहते हैं। नासाग्रम अलोकेत, और नासाग्र यानी कि नाक की तरफ देखना है, अब इसको देख लीजिए, इसकी जो दृष्टि है ये आंख की तरफ रहेगी यहाँ पे, नासाग्र। अब मुझे माइक खोल के बताएं, सिद्धासन में दृष्टि कहाँ पर थी? भूमध्य दृष्टि। वेरी गुड, वहां पर थी सिद्धासन में भूमध्य। ये पेपर में आता है नेट के पेपर में कि बताइए सिद्धासन में दृष्टि कहाँ है, सिद्धासन में भ्रूमध्य है, पद्मासन में नासाग्र, ये डिफरेंस ध्यान रख लेना सभी। और अब इसका लाभ बताया गया कि एतत व्याधि विनाशकारी यमिनाम, कि व्याधियों का नाश करता है यमिनाम, जो लोग इसका अभ्यास करते हैं उसे पद्मासन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया एक विधि बता दी पद्मासन, अब दूसरी विधि पढ़ते हैं।
मतांतरे तू, मतलब कि दूसरे मत के अनुसार, जैसे एक मत बोल दे राहुल का हो गया, एक मत दूसरे प्रणव का हो गया, किसी और अन्य पर्सन का हो गया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिया, पहला वाला मत हो गया, अब ये दूसरा मत आ गया। उत्तानौ चरणौ कृत्वा उरु संस्थौ प्रयत्नता उरु मध्ये ततो तानौ पाणी कृत्वा ततो दृशौ नासाग्रे विन्नसेत राजदंत मूले तु जिह्वया उत्तम भय चिभुकम वक्षसी उत्थापय पवनम स्नेही। मतलब कि उत्तानौ चरणौ कृत्वा उरु संस्थौ, दोबारा से यानी कि एक दूसरे की थाई के ऊपर पैरों को रख देना, उरु जंघाव के ऊपर एक दूसरे को पैर को रख देना है। उरु मध्य मतलब कि जंघा के बीच में, ततो तानौ पाणी कृत्वा ततो दृश्य मतलब कि हाथों को रख देना, जिसको हम ध्यान मुद्रा कहते हैं, ये रहा, कुछ लोग इसको अंजलि मुद्रा भी कहते हैं। इसमें हाथों की स्थिति बताई है, पहले वाले मत में तो बताया गया था पंजे को पकड़ लो, अब इस वाले मत में हाथ की स्थिति ये बताई गई, वैसे बाकी सारी चीज सेम है, और एक और है छोटा सा चेंज और होगा, नासाग्र दृष्टि यहां पर भी नासाग्र बताइए, इसमें विन्न चेत राजदंत मूले तो जिह्वया, राजदंत यानी कि जो आगे का दांत होता है ना हमारा, उसको राजदंत बोलते हैं, अपनी जीभ को वहां पे लगा लेना है, और उत्तम भैया चिबुकम बक्षसी जालंधर बंद लगा लेना है, और उत्थापय पवनम स्नेही और प्राण को ऊपर उठाना है, यानी कि पवन को उठाना है एक तरीके से अंदर से, तो ये पद्मासन है ये भी, ठीक है। तो दो विधि होगी पद्मासन की, हम इसका लाभ दिया है, एक विधि और आएगी आगे बताया बताएंगे, एक विधि और, तीन विधियां हैं इसकी यहाँ पे। इदम पद्मासनम प्रोक्तम, इसे पद्मासन कहते हैं। सर्व व्याधि विनाशनम, सभी व्याधि, व्याधि होती है सामान्य रूप से, व्याधि को हम शारीरिक रोगों से लेते हैं, दो चीज होती है, एक तो होती है आधि, लिख ले सभी, एक होती है आधि और दूसरा होता है व्याधि। योग वशिष्ठ ग्रंथ है उसमें इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, नेट जेआरएफ के सिलेबस में वो बुक है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी जो अगर आप नेट की तैयारी करोगे तो। योग वशिष्ठ में वहां पे आधि और व्याधि का वर्णन है। आधि यानी कि आदि को बोलते हैं मानसिक रोग, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और व्याधि को बोलते हैं शारीरिक रोग, फिजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पे व्याधि की बात हो रही है, व्याधि यानी कि फिजिकल प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम कौन सी होती है, जैसे कि शोल्डर फ्रोजन का हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, हर्निया हो गया है, घुटने का दर्द हो गया, जो बाहर से हमें दिखाई देती है अंगों की प्रॉब्लम है ये। अब जो प्रॉब्लम मन की वजह से होती है, साइकोलॉजिकल, जैसे कि डिप्रेशन है, स्ट्रेस में आने की वजह से जो प्रॉब्लम हो गई है, हैं, और इसके अलावा माइग्रेन की प्रॉब्लम है, यानी कि इनमें ज्यादातर क्या होता है, मेंटल मानसिक स्तर काम करता है, वो आधे के अंतर्गत आती है, ठीक है। मानसिक रोग और शारीरिक रोग दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे कहा है सर्व व्याधि विनाशनम, सभी जो व्याधि मतलब कि शारीरिक रोगों का नाश होता है। दुर्लभम ये ने कहना भी धीमता लभ्यते बहुए, मतलब कि ये आसन दुर्लभ है और जो बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो इसका लाभ उठाते हैं। मेरा एक और मत्स्येंद्र नाथ के मत के अनुसार, कृत्वा संपुटित करो दृढ़तरम बद्धवा तु पद्मासनम गाढ़म वक्षसी सन्निधाय चिबुकम ध्यायस्तच्चेतसी वारम वारम अपान मूर्ध अनिलम प्रोत्सारयेन पूरितम नैचन प्राणम उपैति बोधम अतुलम शक्ति प्रभाव नर। मतलब कि दोबारा से वही पद्मासन की स्थिति सेम है, लेकिन यहाँ पे एक चीज इस थर्ड लाइन को ऐड किया गया एक्स्ट्रा यहाँ पे। बार बार जो हम आप लोगों को बताओ, किसको पता है अश्विनी मुद्रा क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? यस सर, अश्विनी मुद्रा क्या होती है? यस सर, एनएस को कॉन्ट्रैक्ट करके वो बाबा सिर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है अश्विनी मुद्रा, एनएस को। वेरी गुड, एनएस के बाप को मूल बंद तो सबको पता ही होगा, वो खींचना और उसको बार बार खींचना अश्विनी क्रिया होती है। और अपान वायु का स्थान क्या होता है, कोई बताओ मुझे? अपान वायु नाभि।
नावी के नीचे बोलते हैं अपान वायु का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा गया है कि वारम वारम अपानम ऊर्ध अनिलम, देखिए बार बार अपानम यानी कि अपान वायु को जो हमारे गुदा वाले भाग पर है ऊर्धम ऊपर खींचना है, अनिलम उस वायु को प्रोत्सारये न पूरितम, उसको हमें अच्छे से ऊपर खींच लेना है, मतलब कि एक तरीके से मूलबंध या फिर अश्विनी क्रिया की बात यहाँ पे की जा रही है। नैचन प्राणम उपायति बोधम अतुलम शक्ति प्रभाव वनर है, इससे क्या होगा कि ब्रह्मा का ध्यान लगाना में शक्ति प्रभाव वनर है और अनुपम बोधम अतुलम मतलब कि बोध बौद्धिक शक्ति हमें प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा। इससे अभी भी कट रही है क्या? अभी ठीक है नेटवर्क? यस सर, यस सर आ रही है आवाज अच्छे से। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नॉर्मल दोबारा से अपना पद्मासन वाली स्थिति में बैठ गए, ठीक है, हाथ की कोई विशेष स्थिति नहीं बताई, तो पद्मासन में बैठ गए। अब नीचे पीछे आप सपोज करो पीछे जो गुदा है उसको ऊपर खींचा जा रहा है, वैसे ये चीज ऐड कर देनी इसमें, तो तीन मत हो गए। चलो मुझे कौन बताएगा पहले मत में क्या है, मुझे सीता साहू जी बताए पहले मत में क्या पद्मासन बताया है? सर राइट जंगे, राइट पैर को लेफ्ट जंगे पे और लेफ्ट पंजे को राइट जंगे पे रखना है और लेफ्ट हैंड से राइट साइड के अंगूठे को, पैरों के अंगूठे को और राइट साइड से लेफ्ट साइड के अंगूठे को पीछे से दोनों हाथों को क्रॉस लेते हुए पकड़ना है, ठीक है, ठीक है। और आपकी आंखें नासा छिद्र मतलब आपकी आंखें नाक के अग्रभाग पे, नासा के अग्रभाग पर होनी चाहिए और जो है जालंधर बंद लगा लेना, चिन लॉक लगा लेना, जी जी जालंधर, जी जी चिन चिन चिन। दूसरी स्थिति में ममता मैडम बताएंगी, दूसरी स्थिति में क्या बताएंगी स्थिति दूसरे मत में? सर दूसरे मत में जो है हाथ हाथ क्या स्थिति भी बताया गया है उसमें, और बाकी बद्ध पद्मासन जैसे पहले वाली स्थिति में है जिसमें अंगूठे को हम पीछे से नहीं खींचेंगे, इसको रिलैक्स करके रखेंगे। तो मैं अभी वो वर्ड में नहीं लिखी हूँ लेकिन समझी हूँ उसको। सर और ये भी बताया गया है कि हमारी जो राजदंत है आगे के जो दांत है उसको जो जीभा से ऐसे करके जीभा से टच करना और दृष्टि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अरुणा मैडम बताएंगी थर्ड में क्या बताया है? थर्ड में सर सेम पोजीशन मतलब पद्मासन में बैठकर हम जैसे मूल बंध लगाते हैं तो उसी तरह से क्या करते हैं इसमें मूल बंध को ही बार बार ऊपर नीचे करना बताया पद्मासन में बैठकर। हाँ मुख्य रूप से अपान वायु का नाम लिया है यहाँ पे, अपान वायु को खींचना है ऊपर, कैसे खींचेगा वही जाने लेकिन अपान वायु का वर्णन है और इससे क्या होगा इससे ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है। बोधम अतुलम शब्द दिया ना, ज्ञान मिलेगा उससे उसको। चलिए यहाँ पे ये हमारा पद्मासन का हो गया, अपर पद्मासन का और बेनिफिट भी दिया गया यहाँ पे। पद्मासन स्थित योगी नाड़ी द्वारे न पूरितम मारुतम धारिये द्यस्तु स मुक्तो नात्र संशय, मतलब की जो इस तरीके से अभ्यास करेगा, ठीक है, वायु को रोकता हुआ तो उसको क्या होगा उसको मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, मतलब कि मुक्ति मिलती है। ये एक इसका बेनिफिट हो गया कि पद्मासन से पहला बेनिफिट तो वहां पे लिखा था कि व्याधियों का नाश होता है और दूसरा बेनिफिट दिया वहां पे कि बोधम अतुलम यानी कि मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति होती है, तीसरा बेनिफिट यहाँ पे दिया मुक्ति मिलती है, तीन हो गया। अब और अब अगला आसन आ गया सिंहासन। सिंहासन मतलब सर पूरित वायु मतलब पूरक यानी कि इनहेल करके सांस को रोक, जालंधर बंद में पूरक तो अपने आप ही हो जाएगा। सर यहाँ पूरित पूरी तो बोला है ना, पूरक नहीं बोला। देखिए पद्मासन स्थिति योगी नाड़ी द्वारे ने पूरितम, अच्छा नाक से लेना है सांस, पूरित मतलब कि इनहेल नाक के द्वारा करना है,
ली गई वायु मतलब कि जो हवा ली है अंदर गई है उसी को पूरी वायु बोला गया है, ऑक्सीजन को अलग बोल, ठीक है, ऑक्सीजन समझो जो अंदर गई है उसको, ठीक है। मतलब सर जैसे श्वास, मतलब श्वास लेते रहना है साथ ही अपान वायु को भी ऊपर नीचे करते रहना है, ऐसा बोल रहे हैं। श्वास को लेके रोकना भी तो है, जालंधर बंद में तो अपने आप ही रुक जाता है सांस। जी जी, उसमें लेना है एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल थोड़ी होगा जालंधर बंद में, तीनों स्थितियों में जालंधर बंद बताया, तो कैसे एक्सहेल कर दोगे आप? अच्छा, अगला आसन करते हैं सिंह आसन। तो जालंधर बंद के साथ साथ हम अपान वायु को ऊपर नीचे करते रहना है। हाँ वो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। गुल्फो च वृषस्याद शिवं नया पार्श्वयो छिपेत, दक्षिणे सव्य गुल्फम तु दक्ष गुल्फम तु सव्य के। ध्यान देंगे यहाँ पर गुल्फों को, मतलब कि जो हमारी एड़ी है उसको वृषस्याद है, इनकी वर्षण के नीचे रखेंगे, यानी कि आप पिक्चर से आप देखेंगे इसको तो ज्यादा समझ आएगा। ये रहा वर्षण, यानी कि एक तरीके से हमारा जेनाइटल ऑर्गन, देखो टखनों को ध्यान देखेंगे, टखने पीछे गई है ना, इसके ऊपर बैठा हुआ है ये जो लेडी है, आपने उसके ऊपर बैठा हुआ है, देखिए ये वाला पैर उस तरफ चला गया और राइट वाला लेफ्ट साइड चला गया, तो दोनों जेनाइटल ऑर्गन के नीचे आ गए ना एडी दोनों की, ये वाली स्थिति बताइए। दक्षिणे सब गुल्फम मतलब की राइट को लेफ्ट की साइड रखना है और लेफ्ट लेफ्ट को राइट की, राइट की साइड रखना है, दिख रहा है, ये है लेफ्ट लेग पता होगा और ये है राइट लेग। अब देखिए राइट लेग को ध्यान से आप देखेंगे तो राइट लेग यहाँ पे जब अंदर नीचे चली गई तो लेफ्ट साइड चली गई ना, और ये जो लेफ्ट लेग है ये नीचे से गई तो उस तरफ राइट साइड चली गई ना उसको एडी, यही तो कही जा रही है कि जो अपनी राइट एडी को यानी कि दक्षिण पैर को बाय तरफ रखना है वर्षण के, और जो दक्षिण यानी कि सव्य यानी कि लेफ्ट लेफ्ट एडी को दाई तरफ रख लेना, यही श्लोक में कहा जा रहा है यहाँ पे। और क्या चीज कही जा रही है? हस्तो तू जानव्यो यानी कि हाथों को जानो यानी कि घुटने के ऊपर रखना है, संस्था पे रख लेना है, स्वांग उंगली संप्रसार्य च, ये वाला विशेष ध्यान रख लेना आप चीज, इस चीज को उंगलियों को खोल लेना है। देखिए हाथों को घुटने के ऊपर रखा और देखिए उंगलियां खुली हुई है ना इसकी, ये उंगलियों को ऐसे खोल लेना है, ठीक है। और आगे का है व्याप्त वक्त्रो निरीक्षेत ना साग्रम तु समाहितम, मतलब कि मुख को खोल लेना है। फोटो को देखिए, मेरा मुख को खोल लेना है, जीव की कोई स्थिति नहीं बताई गई श्लोक में, तो जीव की कोई स्थिति है ही नहीं, देखो जीव की कोई स्थिति है खाली व्याक्त वक्त्रो का है, मुंह को खोल लो, और नासाग्र दृष्टि है तो सिद्धासन में और सिंहासन दो में नासाग्र दृष्टि बताई है, और पद्मासन नहीं 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 सिंहासन में भ्रूमध्य है और पद्मासन और सिंहासन में नासाग्र दृष्टि बताई है। तो मुझे माइक खोल के बताओ जो अभी हमने सिंहासन पढ़ा और आधुनिक समय में जो सिंहासन करते हैं उसके अंदर क्या अंतर है? सर आधुनिक समय में दोनों हथेलियों को सामने की ओर ऐसे करके रखते हैं और पूरा हाथ पूरा सीधा रहता है और पैर जो है पीछे की ओर रहता है, पैर के पंजों के बल नहीं रहता है, पंजों के बल। हाँ आधुनिक समय में दो तीन टेक्निक है करने की, कोई ऐसे बैठ के कर देता है, कोई ऐसे भी करता है, और सबसे बड़ी एक और, हाँ ममता जी ने पकड़ लिया, वो नहीं है। आधुनिक समय में हम क्या करते हैं, ऐसे आवाज निकाली जाती है ना गले से, लेकिन यहाँ पे आवाज का कहीं नहीं बताया गया, यहाँ पे खाली कहा गया व्याक्त वक्त्र मुंह को खोल लो, ऐसी ये स्थिति बताई मुंह को खोल लो, ये चीज आप लोग ध्यान कर लेना, इसलिए मैं रुका हूँ यहाँ पे, खाली मुंह को खोलना है ना, जीव की स्थिति भी नहीं बताई पिक्चर में, तो जीव निकाली है लेकिन बताई नहीं, स्थिति भी नहीं बताई लेकिन ये आंख भी ऊपर कर रही है, ये गलत है, भ्रूमध्य दिख रही है, तो नासाग्र बताई है,
अच्छा यहाँ आएगी आंख दृष्टि इसके नासाग्र बताइए ध्यान से पढ़ो तो श्लोक ये रहा नासाग्रम दिख रहा है नासाग्रम जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये रहा नासाग्र दृष्टि रखते हुए ठीक है दृष्टि बताइए नासाग्र सर ये आधुनिक समय में सर आधुनिक समय में तो सिंहासन को मतलब ऐसे मतलब झुक के और आवाज निकाल के आंख ऊपर थोड़ा अजीब टाइप का नहीं कराते हैं सर अलग हाँ मैं वही कह रहा हूँ आधुनिक समय में कुछ और कराते हैं और ग्रंथ में कुछ और है तो आपको दोनों को अलग रखना मिक्स मत करना ठीक है जी 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 ऐसे और भी तो आसन मिले खाली ये थोड़ी वीरासन भी तो मिला था बताओ अर्ध पद्मासन को वीरासन कहा गया है तो आप अलग अलग याद करो कि अट प्रयोग पर दीपिका में वीरासन ये है और आधुनिक समय में वीरासन ये है ठीक है ओके सर यही तो चीज पकड़नी आप लोगों को नहीं तो ये ग्रंथ ये चीज पकड़ में आ गई तो आपको ये ग्रंथ समझ आ जाएगा दिक्कत क्या होती है ना जब हम आधुनिक ज्ञान को मिला देते हैं वहां दिक्कत आती है आपको आधुनिक ज्ञान मिलाना नहीं है इसके अंदर जो दिया गया है एज इट इज पढ़ना है ये चीज आप समझ जाओगे तो ये चीज आपको आराम से याद हो जाएगी अब सिंहासन का लाभ दिया है सिंहासनम भवेत एतत् पूजितम योगी पुंगवहि मतलब कि सिंहासन को इसको सिंहासन कहते हैं और योगी पुंगवहि मतलब कि जो योग के जो ज्ञाता है श्रेष्ठ जो योगी रहे हैं पूजितम पूजते हैं इसकी पूजा करते हैं बंद त्रियत संधानम पूर्वते चासनोत्तम मतलब कि तीनों बंधों का इसमें अपने आप ही लग जाते हैं ये इसका लाभ दिया है एक तो है कि योगी लोग इसकी पूजा करते हैं ये भी बेनिफिट में ही आएगा लेकिन फिजिकल बेनिफिट तो नहीं है ये इसकी विशेषता में आएगा बेनिफिट ये है बंध त्रियत संधानम तीनों बंधों का संधान तीनों बंध अपने आप लग जाते हैं इसीलिए इसको उत्तम आसन कहते हैं यह आसनों में उत्तम है जो सिद्ध आसन है वो श्रेष्ठ है सिंह आसन है उत्तम है ये भी डिफरेंसेस ध्यान कर लेना एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था YCB में क्वेश्चन पूछा गया था श्रेष्ठ आसन कौन सा है माइक खोल के बताएं सिद्धासन उत्तम आसन सिद्धासन उत्तम है सिंह आसन और श्रेष्ठ है सिद्धासन ठीक है सिद्धासन जी सर बहुत बढ़िया वेरी गुड ऐसे याद करते जाओ अलग अलग तरीके से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं हमारे उसमें आप आराम से पढ़ना आपको आगे हम बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं भद्रासन को ठीक है आप मुझे एक बार हाँ भद्रासनम करते हैं अभी चलो मुझे कौन श्लोक पढ़ के सुनाएगा अपने आप से देखता हूँ मैं सर मैं पढूं चलो जी माधुरी जी पढ़ के सुनाओ गुल्फौ च वृष्णस्याधः सीवन्याः पार्श्वयोः विक्षिपेत सव्य गुल्फं तथा सव्ये दक्ष गुल्फं तु दक्षिणे पार्श्वपादौ च पाणिभ्याम दृढ़ बद्ध्वा सुनिश्चितम सुनिश्चलम भद्रासन भवेदेतत् सर्व व्याधि विनाशनम गोरक्षासन मित्या हृदि प्रिदं वै सिद्ध योगिनः वेरी गुड बहुत बढ़िया जी ठीक है मतलब कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है गुल्फौ च वृष्णस्याधः सेम उसी की तरह के एड़ी को वृष्ण के नीचे रख लेना है सिवनी नाड़ी मतलब कि जो जेनाइटल ऑर्गन है ना हमारा जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है उसको सामान्य रूप से वही उसी वहीं पे सिवनी नाड़ी को बोला जाता है वहां पे रख लेना है इसको ये रहा ये वाला ये है भद्रासन ठीक है सव्य गुल्फम तथा सव्य दक्ष गुल्फम तो दक्षिणे अब वहां पे सिंह आसन में उल्टा बताया था कि राइट को लेफ्ट की तरफ रखो लेफ्ट को राइट यहाँ पे कहा है कि राइट को राइट साइड रखो लेफ्ट को लेफ्ट साइड रखो इसलिए ये स्थिति है शारीरिक सिंह आसन में उल्टा पहले ही बताया गया था इसमें सिंपल ये बताया गया है माइक बंद कीजिए अपना
खुशबू जी क्या बात है, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा आपको, इतने समझदार होते हुए भी आप ऐसी गलती कर रहे हो बार बार। आगे बढ़ते हैं, पार्श्व पादौ च पाणिभ्याम, मतलब कि पैरों के बाहर वाले भाग को हाथों से पकड़ लेना है, दृढ़ बद्वा सुनिश्चलम, यानी अच्छे तरीके से उसको पकड़ लेना है। देखिए ये रहा, पैरों को पकड़ लिए यहां से हाथों से इंटरलॉक करके, अच्छे तरीके से पकड़ लेना पैर को अधिक से अधिक अंदर की तरफ ला करके। भद्रासनम भवेत एतत् सर्व व्याधि विनाशनम, यानी कि भद्रासन को करने से क्या होगा, समस्त व्याधियों का नाश हो जाएगा। अब समस्त व्याधियों का नाश एक आसन में और बताया था, कौन सा आसन था वो, पद्मासन। वेरी गुड, पद्मासन में बताया गया था, और आगे बताया गया कि गोरक्षासन मिथ्याहु इदम वै सिद्ध योगिन है, कि जो अन्य जो सिद्ध लोग रहे हैं, सिद्ध जो योगी लोग रहे हैं, इसको गोरक्षासन भी कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे भद्रासन और गोरक्षासन दोनों एक हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, ये ध्यान रख लेना, लेकिन गिरण संहिता में दोनों आसन अलग अलग हैं। ओके, इसी आसन को यहाँ पे गोरक्षासन का है और इसी को भद्रासन का है, गिरण संहिता में दोनों अलग अलग हैं। तो ये जो स्थिति है ये गोरक्षासन की, भद्रासन की दी गई है, और इसमें ध्यान देंगे आंखों की कोई स्थिति नहीं बताई गई है, जालंधर बंद भी नहीं लगाना है यहाँ पर, बस हाथों की स्थिति बताई है और पैरों की स्थिति बस यही है भद्रासन। आगे बढ़ते हैं, तो ये आसन यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हम सेकंड चैप्टर में एंट्री करते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा ये चैप्टर। अब सेकंड में पहले मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब तक मुझे कौन बताएगा, मेरे को बताएंगी स्नेहा जी, बताएंगी सेकंड चैप्टर में क्या क्या है, आप बताओ मुझे। जी सर, सर सेकंड चैप्टर में षटकर्मों के बारे में बताया गया है और प्राणायाम के बारे में बताया गया है। छह षटकर्म होते हैं हमारे, नेति, नौली, औति, वस्ति, त्राटक और प्राणायाम, और प्राणायाम के बारे में भी बताया गया है सर इसमें। प्राणायाम को भी आठ भागों में बांटा गया है, सबसे पहले ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गरिमा जी मुझे बताएं, अच्छा गरिमा जी बाहर हैं आज, आशा जी बताएं मुझे। द्वितीय अध्याय में षटकर्म और प्राणायाम के बारे में बताया गया है। षटकर्म में है धौती, वस्ति, नीति, लौली, त्राटक, कपालभाति, और प्राणायाम में है आठ प्राणायाम, जिसमें सूर्य भेदी, उज्जयी, भस्त्रिका, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, मूर्छा और प्लाविनी। बहुत बढ़िया, तो अभी हम पढ़ते हैं षटकर्म के बारे में थोड़ा सा। मैं षटकर्म दिखा देता हूँ आपको, ये रहा ठीक है, पिक्चर आपको दिख रही होगी। षटकर्मों के बारे में जो बताया गया है सेकंड चैप्टर में बताया गया, षटकर्म और प्राणायाम के बारे में। छह मुख्यतः षटकर्म होते हैं, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। सर का कॉल आ गया होगा। मैं कॉल करती हूँ सर को, सर सुन रहे हैं पता नहीं।
हेलो, अभी सुन पा रहे हैं सभी आप? सभी लोग सुन पा रहे हो? जी सर, नेटवर्क चला गया था। ठीक है, थैंक यू माधुरी जी, आप ध्यान रखा कर बता दिया कर, जब ऐसा हो तो। मैं पढ़ाई जा रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कहाँ पे एग्जिट हुआ था, मुझे बता दीजिए। सर शक्कर दो शक्कर के बारे में बता रहे थे आप। ठीक है जी, मैं आगे चला गया था, वापिस पीछे जाता हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ पर था, है ना? ठीक है, तो ये छह षटकर्मों का वर्णन है हठयोग प्रदीपिका में। और ध्यान रखेंगे जो टाइप्स ऑफ षटकर्म्स है वो अलग अलग जो बताए घेरण संहिता में बताए हैं, लेकिन हठयोग प्रदीपिका में सारे षटकर्म एक एक प्रकार के हैं। धोती क्रिया की कपड़े को खाना है, कुंजल क्रिया का डायरेक्ट वर्णन नहीं है, इनडायरेक्टली वर्णन किया गया है। सूत्र नीति, नाक से धागा डालो और मुंह से निकाल दो, इसको सूत्र नीति कहते हैं। नोली क्रिया, पेट को घुमाया जाता है, जैसे रामदेव जी को देखा होगा ऐसे घुमाते हो, इस प्रकार एक प्रकार बताया नोली क्रिया का। त्राटक, किसी भी सूक्ष्म लक्ष्य को, वो कोई दिया हो या कोई छोटा कोई टारगेट आपने दीवार पे गोला बना दिया, कुछ भी हो, सूक्ष्म लक्ष्य बताया, कुछ भी हो सकता है सूक्ष्म लक्ष्य, उसको देखना है जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए, उसको त्राटक कहते हैं। कपालभाती, भस्त्रिका का जो सिस्टम है तेजी से सांस लेना छोड़ना, वही पैटर्न कपालभाती का एक्चुअल में। जबकि घेरण संहिता में कपालभाती के तीन प्रकार बताए गए, कोई मुझे बताएगा उन तीन प्रकार के नाम क्या है? वात कर्म, व्युत कर्म और शुक कर्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया माधुरी जी, क्या एक्टिव हो, कितने जल्दी आंसर दिया आपने। वात कर्म, व्युत कर्म और शीत कर्म, तो ये किस ग्रंथ में बताया गया है? घेरण संहिता। और हठ योग प्रदीपिका में सांस लेना छोड़ना एज लाइक भस्त्रिका प्राणायाम, उसको कपालभाती कहा है। ये आपको पिक्चर देख के क्या समझ आ रही है, कौन सी एक्सरसाइज हो रही है? ये वेरी गुड, एक ही बात है, अनुलोम विलोम या वात कर्म, घेरण संहिता के अनुसार बोलेंगे तो कहेंगे वात कर्म कपालभाती हो रही है। और अगर हम घेरण संहिता में नाड़ी शोधन की भी यही विधि बताई गई है, और हठयोग प्रदीपिका में नाड़ी शोधन की ये विधि है, नाड़ी सो यानी कि जो अनुलोम विलोम किया जाता है ना, उसी को ही यहाँ पे नाड़ी शोधन कहा गया है। हाँ, अनुलोम विलोम में सांस को रोकते नहीं है, लेकिन इसमें सांस को रोकना यथाशक्ति रोकने के लिए कहा गया है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ एक प्राणिक, आप ये समझिए, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा शरीर है, आप समझने की कोशिश कीजिए, शरीर में जैसे कि चारों तरफ एक तरीके से प्राणिक ऊर्जा होती है हमारे शरीर में। प्राण, आप प्राण को आप प्राण वायु से समझ लीजिए। हम जिंदा हैं, इसकी पहचान क्या है, कोई माइक खोल के बताओ, हम लोग जिंदा हैं, इसकी क्या पहचान है? प्राणिक शक्ति है, श्वासें चल रही है। वेरी गुड, सामान्य रूप से डॉक्टर क्या बोलेगा, सांस बंद हो गई है तो आदमी मर गया है, है? ये बोलेंगे भी सांस चल रही है तो आदमी जिंदा है, और सांस नहीं चल रही तो मर गया। तो वही है, उसको ही यहाँ पे प्राण से तुलना की गई है। और शरीर में कितनी नाड़ियां हैं? 72,000 में कितनी नाड़ियां श्रेष्ठ हैं? तीन नाड़ियां। कौन सी? इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। वेरी गुड, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा को हम किस नाम से और जानते हैं? चंद्र नाड़ी। चंद्र स्वर। चंद्र नाड़ी। पिंगला को किस नाम से जानते हैं? सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी। और सुषुम्ना को? ब्रह्म नाड़ी। ब्रह्म नाड़ी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी, इस तरीके से ये
इसका स्ट्रक्चर ही मैंने दिखाया हुआ है, पहले भी मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था ताकि आपको आज दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये चीजें आपको जल्दी समझ आ जाएंगी, इसलिए मैंने पहले ही करा दिया था आपको। ये पांच प्राण भी मैंने आपको पढ़ाए थे, प्राण अपान व्यान समान उदान, याद होगा सबको। ये उदान जो है गले के गले में होता है, प्राण जो है हमारे हृदय वाले स्थान पे होता है, समान जो हमारे नाभि वाले स्थान पे होता है, व्यान जो है पूरे शरीर में होता है, और अपान जो है ये रहा यहाँ पे आएगा पिक्चर में थोड़ा दिया गया, यहाँ पे नाभि के नीचे होता है, गुदा वाले स्थान पे नाभि के नीचे बोलते हैं अपान होता है, और व्यान पूरे शरीर में होता है। इससे भी आप देख सकते हैं ये रहा उदान ऊपर ब्लू कलर में दिखाया गया है, व्यान पूरे शरीर में दिखाया गया है व्हाइट कलर का, ये ग्रीन कलर का ये है प्राण, और जो ये दिखाया गया हल्का हल्का ये है समान, और जो रेड कलर का दिखाया गया ये अपान है। ठीक है, ट्रेन की गति तो बाद में पढ़ा दूंगा मैं आपको, ये हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जी माइक अपना बंद कीजिए, इसका खुल रहा है माइक। अर्पित जी का खुला है सर, अर्पित जी का। अर्पित जी थोड़ा एक्टिव हो जाओ, इस बार दोबारा दिख गए मैं बंद नहीं करूंगा, क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, इसका मतलब आप क्लास पे ध्यान नहीं दे रहे हो, चलते फिरते घूमते हुए क्लास ले रहे हो, इसका मतलब ये है। तो सेकंड चैप्टर हम पढ़ते हैं, सेकंड चैप्टर का जो पहले श्लोक में बताया गया है कि अथासने दृढ़ योगी वसी हित मितासन है गुरुपदिष्ट मार्गेण है प्राणायामान संभसित, मतलब कि विधि बताई गई है। नेट के पेपर में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, पहले आसन लगाओ उसके बाद में, हाँ हिंदी पढ़ी आसानी हो जाएगी, पहले आसन करो उसके बाद में इंद्रियों को नियंत्रित करें, क्या ना वसी वसी यानी कि वश में करना है इंद्रियों को, और हितमित आसन है मतलब कि हितकर जो आहार है, हमने पढ़ाया था ना कि कौन से आहार पथ्य है कौन से अपथ्य है, वो हमने पढ़ा था गोधूम साली और सृष्टि के सो बनाना, वो वाला श्लोक जो पढ़ा था हमने कि कौन सा आहार हमें लेना चाहिए कौन सा नहीं, पहले इन चीजों को ध्यान में रखना है, उसके बाद में प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है। तो दोबारा से बता रहा हूँ, आसन का अभ्यास, इंद्रियों पर नियंत्रण, क्या खाना है डाइट, और उसके बाद में प्राणायाम करने के लिए बताया गया है। अब ये वाला श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा मुझे सरस्वती पटेल जी माइक खोल के इस श्लोक को पढ़ेंगे, मेरे पीछे से पढ़ेंगे। ठीक है, चले वाते चलम चित्तम, चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत, निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थानोत्तमाप्नोति, योगी स्थानोत्तमाप्नोति, ततो वायुं निरोधयेत, ततो वायुं निरोधयेत। बहुत बढ़िया, सभी लोग बोलेंगे पीछे से, माइक बंद कर लीजिए। चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थानोत्तमाप्नोति, ततो वायुं निरोधयेत। मतलब कि मन को कंट्रोल करने का फार्मूला बताया गया है यहाँ पे। आपसे कई लोग पूछेंगे ना मन को कैसे कंट्रोल करें, उसका फार्मूला दिया है यहाँ। उससे पहले आप मुझे ये बताएं भागवत गीता में क्या फार्मूला दिया है, कौन बताएगा? सर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। वेरी गुड आशा जी, बहुत अच्छा आपने पकड़ा। वो कौन से चैप्टर में वर्णन है अभ्यास वैराग्य का? सर तीसरे छठवें में ध्यान योग। ना चुप गए आप, ध्यान योग में तो सर चौथे में है क्या? नो चैप्टर नंबर कौन बताएगा, मैं आपने से देखता हूँ, बताओ जी। अभ्यास वैराग्य चैप्टर देता हूँ, आइडिया देता हूँ आप लोगों को मैं थोड़ा सा, वहाँ पे अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताया गया था।
अभी तो पढ़ी थी हमने भागवत गीता, चार दिन तो हुए अभी भूल गए आप लोग हैं। पुरुषोत्तम योग चैप्टर नंबर 15 में बताया गया था। चैप्टर नंबर 15 का क्या नाम है? पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग डिवीजन करो, नहीं करोगे तो ये हाल होगा है ना। पुरुषोत्तम योग वहाँ पे मन को कंट्रोल करने का तरीका बताया, अभ्यास करो और वैराग्य। और यहाँ पे क्या कहा है? हाँ आशा जी क्या बोल रहे हो? सर अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह में ये नहीं आएगा क्या? मन का निग्रह अभ्यास वैराग्य से किया कर सकते हैं। तो सर ये अध्याय 6 में जैसे एग्जाम में आता है तो छठवां अध्याय नहीं लेना है, 15 अध्याय लेना है? वो भी लेना है, ध्यान योग भी ले सकते हैं हम। अच्छा जी, ध्यान के द्वारा भी मन का निग्रह किया जाता है जी। ठीक है, तो मैंने ये पूछा था अभ्यास वैराग्य का वर्णन कहाँ पर है, तो आप बोले छठे में तो नहीं अभ्यास वैराग्य, अभ्यास वैराग्य तो 15 में है ना। जी 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 सर। ठीक है, अब आते हैं हट योग पर। दीपिका में क्या कहा गया? मन को कंट्रोल करने का फॉर्मूला, और एक्चुअल में ये फॉर्मूला लगता है अप्लाई में, और आप लोग भी अपने जीवन में लगाना इसको। सोचो क्या हो सकता है, क्या आइडिया होना चाहिए आप लोगों का, इंट्यूशन क्या बोलता है अंदर से, क्या होना चाहिए, कैसे हम अपने मन को कंट्रोल करें? सर श्वास के ऊपर ध्यान ले जाना, सीखकर मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सही है। हेलो सर। जी नीलू जी। सर मन को कंट्रोल करने के लिए उसे बांधेंगे तो ये कभी कंट्रोल नहीं होगा। इसका एक ही तरीका है मेरे ख्याल से कि मन को हम किसी दूसरे चीज में लगाए, तब वो हो गया भागवत गीता वाला उत्तर हो गया। और इनडायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगेगा यहाँ पे, जो आप कह रहे हो इनडायरेक्टली ये लगेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब मैं बताता हूँ हठ योग में क्या बताया गया है, इस श्लोक में उसका आंसर है। श्लोक की जब आप हिंदी पढ़ोगे ना आपको पता चल जाएगा। देखिए, चले वाते चलम चित्तम, जब तक वायु हमारी चंचल है जब तक हमारा चित्त यानी कि मन भी चंचल रहेगा। तो मुझे ये बताएंगे, जब हम गुस्सा होते हैं या किसी से फाइट कर रहे होते हैं तब हमारी सांस कैसी चलती है, बताओ मुझे? सर तेज तेज चलती है। और जब हम ज्यादा एक्साइटेड होते हैं उस समय सांस कैसी चलती है? उस समय भी तेज चलती है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे धीमी सांस कब चलती है? जब हम खुश होते हैं, जब हम शांत रहते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, रिलैक्स रहते हैं। नींद की बात नहीं कह रहा हूँ, नींद में तो सांस और बढ़ जाती है। सामान्य रूप से जब हम मेंटली रिलैक्स होते हैं उस समय हमारी सांस धीमी चलती है। तो यही यहाँ पे तरीका बताया गया है। जैसे कि अभी हैं हम, अभी हम हैं तो हमारी सांसें शांत चल रही है। तो देखिए क्या है कि जब हमारा यहाँ पे वही कहा गया है कि जब हमारी प्राण यानी कि जो हमारी सांसें हैं वो तेज चलेंगी तो हमारा मन भी चलायमान हो जाएगा। एक्चुअलिटी में ऐसा होता भी है, अभी कुछ एग्जांपल से मैंने समझाया भी आपको। और जब हमारा प्राण रिलैक्स हो जाएगा, प्राण कब रिलैक्स होता है? जब हम ध्यान करते हैं या फिर प्राणायाम की थोड़ा उच्च स्तर में जाते हैं उस समय ही तो हमारी प्राण धीमी चलती है धीरे धीरे। तो उस समय हम आप देखने जो ऐसी स्थिति में आने के बाद में आपके मन से थॉट्स गायब हो जाते हैं। यही रीजन है, आप यही फार्मूला दिया है मन को कंट्रोल करने का कि जब तक वायु चलाए माने, देखिए वायु जब तक चल रही है तब तक चित्त भी हमेशा चंचल रहेगा। और वायु के निश्चित यानी कि कम वायु जाने से सामान्य रूप से 12 से 16 बार एक मिनट में सांस हमारी जाती है, एक मिनट में 12 से 16 सामान्यतः सांस लोग हम ले लेते हैं। लेकिन जब ये 12 से 16 से बढ़ के 20 25 30 हो जाएगी तो उसको हम चलाए माने तो बोलेंगे ज्यादा चंचल हो रही है सांस हमारी, तो मन भी ज्यादा विचलित हो जाएगा ऑटोमेटिक ही, सांस विचलित होते ही, एक दूसरे के पूरक है ये बढ़ेगी वायु बढ़ेगी तो चित्त भी अपने आप ही चंचल हो जाएगा, और वायु कम हो जाएगी चित्त अपने आप ही शांत हो जाएगा, यही कहा जा रहा है। इसीलिए क्या कहा गया कि योनि योगी स्थान उत्तम आपन होती ततो वायुम निरोधयति,
इसलिए जो योगी लोग होते हैं स्थान उत्तम मतलब कि बिना हिलचल वाली अचल वाली जो स्थिति होती है इनकी स्थिरता लाने के लिए क्या करते हैं वायु का निरोध करते हैं और इसी को हम प्राणायाम कहते हैं। वायु को निरोध करना सामान्य रूप से यही तो लेते हैं हम। अतः प्राणायाम का प्रैक्टिस करना चाहिए। अब मुझे बताएंगे माइक खोल के प्रेरणा जी बताएंगी प्राणायाम का अभ्यास क्यों करें क्या बताएं यहाँ पे। जब हम हमारा सांस तेज चलता है तो हमारा मन भी एकदम चंचल रहता है और सांस धीमी चलने लग जाती है तो हम स्थिर हो जाते हैं शांत भाव होता है हमारा मन। तो निष्कर्ष क्या निकला हमें प्राणायाम करने से हमारा मन शांत रहता है। हाँ अब ये बोलो प्राणायाम करने से प्राणों पे हमारा नियंत्रण होता है तो प्राणों की गति कम होगी और अभी हमने देखा कि प्राणों की गति कम होने से मन भी अपने आप ही कम चलायमान होगा इसीलिए प्राणायाम करें मन अपने आप ही कंट्रोल में हो जाएगा। ठीक है सर। वायु का निरोध बोला है तो कुंभक की स्थिति निरोध का मतलब होता है एक तो होता है पूर्ण निरोध का मतलब तो अब पूरा कंट्रोल फुल कंट्रोल निरोध का मतलब होता है फुल कंट्रोल। हाँ तो इसमें हठ योग में तो कुंभक को वो किया गया है ना सर तो मतलब इसमें होल्ड करना। देखिए दोबारा बोलिए आप क्या पूछना चाह रहे हो सर। जैसे इसमें कह रहे हैं मन रिलैक्स करने के लिए प्राणवायु की स्थिरता स्थिरता मतलब कि सामान्य जैसे हम धीमी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सामान्य में तो चलेगा सर तो चलेगा तो कुंभक नहीं लगेगा मतलब अगर निरोध कर रहे हैं तो कुंभक लगाना पड़ेगा। देखिए निरोध कुंभक भी कितने देर लगा लोगे मेरा कहने का तात्पर्य क्या एक मिनट में 12 या 15 बार आप लोगों को मैं भी गिनाऊं तो यही एवरेज आएगी सब लोगों की 12-16। फिर हम कहेंगे अब धीमे सांस लो फिर धीमे आप बोलोगे मैं 8 बार लिया सांस मैंने दो तीन मिनट आप तक फोकस कर लोगे उसके बाद में फिर वही 12-16 आ जाएगी आपके रेशो क्योंकि जब फोकस नहीं किया आप लोगों ने सामान्य रूप से अभी भी आप फोकस नहीं कर रहे मैं भी फोकस नहीं कर रहा हूँ तो हमारी सांसें ज्यादा चल रही है जब हम फोकस करेंगे तो कम हो जाएगी। वही कह रहे हैं कि जब हम फोकस करेंगे तो सांसें कम हो जाएंगी और मन कम चंचल होगा। सर 12 सामान्य में आता है ना। हाँ जी 12 से 16 एवरेज लेते 12 से 16 वो घेरण संहिता में वर्णन है इसका घेरण संहिता में तो बहुत डीप बताया गया है वहां पे आप पढ़ना इसको किसमें बताया ये शायद सूर्य वेदी में बताया है। हाँ ना एक बार आप देख लेना वहां पे प्राणायाम में ये चीजें पूरा विस्तारित रूप से बताया है कि जब हम चलते हैं जब हम गाएंगे गाते हुए हमारी जो सोला होगी हम खाना खाएंगे तो हमारी ये होगी जब हम चलते हैं चलते हुए 24 हमारी सांसें चलेंगी जब हम मैथुन यानी कि शारीरिक संपर्क करते हैं उस समय हमारी जो श्वास की गति 30 होगी एक मिनट में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इससे भी ज्यादा होगी। तो घेरण संहिता में बहुत अच्छे से बताया गया खोल के यहाँ पे सामान्य से बताया गया नॉर्मली अंदाजे के लिए। ठीक तो अभी आप इतना समझ जाइए कि वायु प्राण और मन एक दूसरे का पूरक है प्राण बढ़ेगा तो मन भी चंचल हो जाएगा प्राण कम जाएगा यानी कि धीमे जाएगा क्वांटिटी एक मिनट में तो हमारा क्या होगा अपना चित यानी कि चित में चार चीजें आती है मन बुद्धि अहंकार सामान्य मन को ही कंसीडर करते हैं तो मन भी हमारा स्थिर हो जाएगा। अभी वही है कि जब तक सांस है तब तक उसको जीव जिंदा कहेंगे और सांस नहीं है तो बोलेंगे मर गया। हाँ अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है कि मलाकुलासु नाडीसु मारुतो नहीं मध्य गया कथम स्याद उन्मनि भाव है कार्य सिद्धि कथम भवेत। अब मैंने कल आपको बताया था उन्मनि भाव मुझे बताएंगे प्रिया मैडम बताएंगे मेरे को उन्मनि भाव क्या मैंने कल बताया था बाकी लोग मैसेज कर सकते हैं।
किरण शर्मा जी बताएं मुझे उन्मनी भाव क्या सिद्धार्थन के बारे में बताया तो उन्मनी भाव उसका लाभ, वो उन्मनी अवस्था जो है वो इसका लाभ है जो लाभ तो है मनोन्मनी अवस्था है, लेकिन वो कब प्राप्त होती है और उसमें क्या होता है? मैंने आपको सेकंड चैप्टर जब प्राणवायु पे नियंत्रण करेंगे बंद के दौरान मैंने बताई थी ये बात, बताओ मन की वृत्तियां को नाश होता है। सर मैं बोलूं सर बोलिए माधवी मैडम बोलिए सर उन्मनी अवस्था मन को शांत करती है ऐसा बताया था आपने सर पंचवृत्ति के बारे में बताया था मन चंचल होता है तो विचार आते हैं और विचार आते ही तीनों बंद लग जाता है तो प्राण वायु जो है सुषुम्ना नाड़ी में बहने लगता है और प्राण वायु जब सुषुम्ना नाड़ी में बहता है तो मन स्थिर और विचार शून्य हो जाता है और उससे हमारे सारे चित्त वृत्तियों का नाश हो जाता है जो हमारे चित्त वृत्ति को चित्त को भ्रमित करते हैं तो वो उस अवस्था में उन्मनी और मनमोनी अवस्था में बहुत बढ़िया नाश नहीं वहाँ पे निरोध बोलेंगे तो उचित रहेगा सर आप नाश ही बोले थे तो नाश ही लिखे नाश नहीं निरोध उचित रहे शब्द राइट जो शब्द है वो निरोध है ना तो क्या कह रहा है कि जब हमारी जो वायु है सामान्य रूप से तो जो हमारी सांस जो है सूर्य और चंद्र स्वर में चलती है जब हमारा जो स्वर सुषुम्ना स्वर में चलता है जहाँ पे जिसका मुख कुंडलिनी जो है वो उसको दबा गई हुई है मतलब कि जब वो कुंडली थोड़ी जागेगी तभी तो उसके अंदर गमन करेगी वायु जिसका मतलब एक तरीके से कुंडली जागी हुई है तभी वायु उसमें गमन करेगी तो वो जो अवस्था होती है उस समय की जो स्थिति होती है उस समय हमारा मन स्थिर हो जाता है विचार शून्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को मनोन्मनी या उन्मनी अवस्था कहते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है यानी कि हमें वो अवस्था कैसे प्राप्त होगी जब तक हमारी नाड़ियों में मल भरा हुआ है। आप इस पिक्चर से समझने की कोशिश करेंगे देखिए मैं यहां से समझाता हूँ आपको नाड़ी से रुको ठीक है आप इससे समझेंगे पिक्चर सभी को दिखाई दे रही होगी यस सर ठीक है अब आप इसमें नीचे ध्यान देंगे हम एक मान लेते हैं कि देखो नाक से हम यहां से सांस ले रहे हैं दिख रहा होगा गोला मेरा अब इसको मैंने यहां से बंद कर रखा है नाड़ी को तो आप मुझे बताओ यहाँ पे रास्ता बंद हो गया क्या यहाँ की वायु फिर नीचे जा पाएगी क्या सर कुछ दिख नहीं जाएगी देखो मैं बड़ा करके दिखाता हूँ ये देखो यहाँ से सांस गई है हमारी ये हमारी लेफ्ट नोस्टिल यहाँ से सांस गई और यहाँ पे ये पाइप दबी हुई है पाइप से आप समझ लो पानी की पाइप जब दब जाती है तो क्या आगे वाली पाइप में पानी जाता है नहीं। या फिर ये समझ लो कि उस पाइप में बीच में कोई कचरा रुक गया ठीक है तो भी पानी नहीं जाएगा ना आगे जो अक्सर सीवरेज की समस्या जो हम लोग झेलते हैं उसमें यही होता है कि किसी सीवर की पाइप में कोई कचरा उलझ गया और जिसकी वजह से सारे सीवर ब्लॉक हो गए तो सेम उसी को यहाँ पे मल कहा गया उस कचरे को मल कहा है ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लो अपना कि मल क्या है मल उसमें बहने वाला कचरा है मतलब कि जब तक उन नाड़ियों के अंदर 72,000 नाड़ियां है हमारे शरीर में जब तक उन नाड़ियों में वो मल है तब तक वायु आगे नहीं जा सकती और जब तक वायु आगे मध्य में गए यानी कि सुषुम्ना में नहीं जा सकते तो जब सुषुम्ना में नहीं जाएगी तो हमारा उन्मनी अवस्था तो प्राप्त ही नहीं हो सकती और सिद्धियां तो कैसे कभी भी नहीं मिलेंगी हमें इसलिए पहले हमें चाहिए पहले हम अपनी नाड़ियों को मल से मुक्त करें सर जी सर नाड़ी अशुद्ध जो है उसका मुख्य कारण है भोजन या प्राण वायु अस्वच्छ लेना लेकिन ना सुबह कई चीजें हैं हमारा लाइफस्टाइल भी है आहार भी है नहीं बोल रही हूँ सर जब उन्होंने 15वीं 17वीं शताब्दी में वर्णन किया था उस समय की स्थिति में
इतना सारा विभिन्नताएं भी भोजन में नहीं था और प्राण वायु भी। अरे मैडम सब था, उस समय भी लोग बीमार होते थे। अच्छा तो दशरथ जी को हार्ट अटैक आया नहीं है ना सर? दशरथ जी को हार्ट अटैक आया, राम जी के पिता थे ना वो, बीमारियां उस टाइम भी थी, हार्ट अटैक उस टाइम भी था, डिप्रेशन में लोग उस समय भी जाते थे। ये नहीं है कि पहले के जमाने में बीमारियां नहीं होती थी, सब होती थी। सर मैं ये नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ कि इसको भोजन मतलब अशुद्ध भोजन लेना नाड़ी की अशुद्धता का कारण है, ऐसा बोल मुख्य कारण है, मुख्य कारण है। और सर क्या मुख्य कारण कही आप बोल, और क्या बोल सकते हैं सर इसमें? हमारा लाइफस्टाइल, सोना जगना, सोचना, विचार, ठीक है ठीक है, हमारी मानसिकता क्या, किस तरह पे हम सोचते हैं, कितना नेगेटिव पॉजिटिव है हम लोग, ये सब मायने करते हैं ना सर। एक चीज जो है प्रकृति के विरुद्ध चलना, क्योंकि प्रकृति ने वास्तविक को जो है बैलेंस करके चार चार घंटों में जो बांटा गया उसके विरुद्ध चलते हैं तो सारी अशुद्धियां आ जाती है। बहुत बढ़िया, इसको अब एक लाइन में अगर मैं निचोड़ करके बताऊं, प्राकृतिक अप्राकृतिक जीवन जीना, नेचर के विरुद्ध जीना। आप देख लो नेचर के विरुद्ध क्या क्या है, लगभग हर चीज है, तो उस चीज को बदलेंगे। रिदम फिट है ना सर, हमारे शरीर में सर्कैडियन रिदम फिट है, उस रिदम के अनुरूप हम नहीं काम करते हैं। और भी बहुत सारे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया मुख्य रूप से इससे हमारी, इसलिए हमें पहले चाहिए, पहले हम नाड़ियों को साफ करें। अब दूसरी तरफ से आप लगाओ, हम तो लगे हैं प्राणायाम करने और हमारी नाड़ी तो बंद पड़ी है, तो प्राणायाम के फायदे करेगा नहीं करेगा ना? क्योंकि वायु तो जा रही है लेकिन वो नसी बंद है, वहां पे जो वहां की जो उसको ले जाने वाला प्राण तत्व तो आगे क्लोज हो रखा है। तो पहले ये कचरा हटाना पड़ेगा जो इसमें रुका हुआ है, ये कचरा जब हटेगा तभी तो वो आगे वहन करेगा प्राण, नहीं तो करते रहो भैया, नहीं लगे रहो सारी उम्र, लगे रहो कुछ भी नहीं होने। तो इसलिए सबसे पहले नाड़ी का शोधन आवश्यक है, उसके बाद में प्राणों का आयाम करना चाहिए। अब आगे बताया कि शुद्धि में थी यदा सर्वम नाड़ी चक्रम मलाकुलम तथैव जायते योगी प्राण संग्रहण। इसलिए योगी लोगों को पता है कि जब नाड़िया जब शुद्ध हो जाएंगी, निर्मल हो जाएंगी, तब अपने आप ही प्राण जो तत्व नियंत्रित हो जाएगा। इसलिए योगी लोग पहले नाड़ियों का शोधन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया प्राणायाम कैसे करना चाहिए। प्राणायाम हमें सात्विक बुद्धि के साथ करना चाहिए। ठीक है, कब तक करना चाहिए? जब तक हमें सुषुम्ना नाड़ी का जो मल है वो समाप्त नहीं हो जाए। सुषुम्ना प्रधान नाड़ी है, 72,000 नाड़ियों में पढ़ाया था मैंने, 72,000 नाड़ी है, उसमें तीन नाड़ियां प्रमुख है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। सुषुम्ना भी सबसे विशेष है, श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे नाम खाली सुषुम्ना का लिया, इसका मतलब ये नहीं कि खाली सुषुम्ना नहीं, इसके साथ में बाकी नाड़ी ऑटोमेटिक आ जाएंगी। यानी कि नाड़ियों का पहले शोधन आवश्यक है और उस अभ्यास हमें सात्विक बुद्धि के साथ करना है। देखिए कई लोग प्राणायाम करते हैं, बोलते हैं कि मेरी तो नाड़ी शुद्धि हुई नहीं, क्योंकि उनकी सात्विक बुद्धि भी तो होनी चाहिए, कंडीशन भी तो है। यहाँ पे किस स्थिति में आपकी नाड़ी शुद्धि होगी? प्राणायाम तो मैं भी करता हूँ और भी करते हैं, एक की शुद्धि होगी दूसरे की नहीं हुई है। वो राजसिक बुद्धि के साथ कर रहा है, तामसिक बुद्धि के साथ कर रहा है, ये कंसेप्ट भागवत गीता में हम पढ़ चुके हैं, सात्विक राजसिक तामसिक को। तो सात्विक बुद्धि किसको बोलते हैं जल्दी बताओ? जो बिना कुछ मन में लिए हुए नहीं, बिना कुछ जिसके मन में कोई पाप ना हो, छल कपट ना हो, वेरी गुड, बिल्कुल कोई छल कपट न हो, आसक्ति न हो, है? और कर्तव्य भाव से हम करें उन कर्मों को, वो है सात्विक। कर्तव्य भाव से हम प्राणायाम कर रहे हैं तो हमारा नाड़ी शोधन होगा, यानी उनसे दूर होगा। तो ये वाले श्लोक और आगे वाला एक ही बताएगा, इसलिए मैं आगे वाला पढ़ देता हूँ डायरेक्टली, और ये मेरा सबसे प्रिय श्लोक है इसलिए मैं इसका उच्चारण भी करूंगा, और मेरे पीछे से गौरी यादव जी उच्चारण करेंगे। गौरी यादव जी, ठीक है, म्यूजिक में हम गाएंगे इसको। प्राणम चेदिड़िया पिबेन नियमितम,
परम चिदया पिते गृहम् भूयो अन्यारे चेत् भूयो अन्यारे चेत् पित्वा पिंगलया समीन मथो पिंगलया समीन मथो बद्ध्वा तजे द्वामया सूर्या चंद्रम सोरेन विधिना सूर्या चंद्रम सोरेन विधिना अभ्यासं सदा तन्वताम् अभ्यासं सदा तन्वताम् शुद्धा नाडीगणा भवन्ति यमिनाम् ठीक है अभी एक बार बोलता हूँ सभी लोग बोलेंगे पीछे से अब माइक बंद रखेंगे पीछे पीछे से बोलेंगे ठीक है जी समय का भाव है हमारे पास थोड़ा सा तो आप पीछे से बोलिए एक रिक्वेस्ट करूँ सर जी बताइए सर कम से कम इसमें से 10-15 श्लोक ना बटवा दीजिए ना सर आप पढ़ते हो तो फिर इजी लगता है फिर अकेले पढ़ते हैं तो नहीं लगता है ठीक है बोल लीजिए पीछे से बोलो सभी माइक बंद करके प्राणम चेदिरिया पिबेन नियमितम भूयो अन्नया रे चये मैं जल्दी जल्दी में कहां बोल पित्वा पिंगलया समीन मथो बद्ध्वा तजेत्वा मया सूर्या चंद्रम सोररेन विधिना अभ्यासं सदा तन्वताम् शुद्धा नाडीगणा भवन्ति यमिनाम् मासत्रयात् ऊर्धतः ठीक है इसका मतलब क्या कहा जा रहा है ये जो हमने अब मुझे बताएंगे कौन बताएगा मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूं हमें बताएंगे ममता मैडम बताएगी बताओ जी अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है अनुलोम विलोम पहले सर हम अपने स्वर को देखते हैं कि कौन सा स्वर चल रहा है और उसके अनुसार मैंने जो सीखा सर मैं अभी किताब का नहीं बोल रही हूँ सर एक नाक जो स्वर चल रहा है और आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से उस नाक से लेंगे और दूसरे नाक से छोड़ेंगे तो उसका तीन स्तर से हम स्टार्ट करते हैं पूरक लेना रेचक छोड़ना और कुंभक स्थिति में रहना यानी कि आप एक नासिका से लेंगे और अंदर कुंभक में रखेंगे दूसरे नासिका से छोड़ेंगे जिस तरह से आपका श्वास जिस तरह से चल रहा है और जिस लय में चल रहा है पहले उसी लय से हम आरंभ करते हैं उसके बाद सिद्ध हो जाने पर हम अपने श्वास के लय को कंट्रोल करते हैं क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में जैसे लय में आप है उसी लय में हम आरंभ करते हैं और फिर हम लय को गिनते हुए कि कितने सेकंड आपको लेना है और कितने सेकंड छोड़ना है और कुंभक में कितने सेकंड रखना है बहुत बढ़िया फिर हम बढ़ाते हैं उसको बहुत बढ़िया वेरी गुड पूरा बता दिया आपने देखिए अब यहाँ पे क्या बताया गया है उस विधि को सुनिए प्राण में तो की सांस लिया है ईड़िया यानी कि पहले लेफ्ट नोस्टिल से लेना है ध्यान दीजिए ग्रंथ में बताया गया है कि हम नाड़ी शोधन करेंगे पहले लेफ्ट नोस्टिल से इनहेल करेंगे अब स्वर वाला कंसेप्ट भी हट गया आवाज कट रही है क्या सब लोगों को कट रही है क्या आवाज नहीं सर आ रही है नो सर आ रही है बस ठीक है ये कंसेप्ट ध्यान रखना देखिए ग्रंथ में साफ साफ बताया गया है कि पहले लेफ्ट नोस्टिल से सांस लेना है पिबेन नियमितम लगातार लेना है भूयो अन्नया रेचे उसके बाद में राइट नोस्टिल से एक्सहेल कर देना है रेचक कर देना है सांस छोड़ देना है आगे कहा कि पित्वा मतलब कि फिर से लेना है पीना है एक तरीके से पिंगलया पिंगला नाड़ी बताओ किसको बोलते हैं राइट नोस्टल राइट नोस्टल को सूर्य स्वर फिर सूर्य स्वर से राइट नोस्टल से इनहेल करना है समीन यानी कि वायु को और बद्ध्वात जेत वामया उसको रोकना है बांधना है
और बाद में वाम या मतलब कि वाम नाड़ी यानी कि चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट नोस्टिल से उसको त्याग देना है, मतलब कि एक्सहेल कर देना है। सूर्य चंद्र मसूर रेन विधिना, इस प्रकार बार बार में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी अर्थात लेफ्ट नोस्टिल और राइट नोस्टिल से विधिना इस विधि पूर्वक अभ्यास करना है, तन्वताम सदा अभ्यास करना है। और ऐसा करने से क्या होगा, शुद्धा नाड़ी गणा भवंती, नाड़ी नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी। यमिना जो योगी इसका अभ्यास करेगा, मास त्रयात ऊर्धत है, तीन मास के अंदर, ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया था कि नाड़ी शोधन में कितने समय में नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है, तो आपके उत्तर है सामने है 3 महीने के अंदर नाड़ी शुद्धि हो जाती है अगर इस तरीके से अभ्यास किया जाए तो। सेम अनुलोम विलोम वाली स्थिति है, सिर्फ सांस को रोकना है, हर बार अंदर जा रहा है सांस रोकना है, बाहर जा रहा है बाहर जाके सांस रोकना है, बांधना है हर जगह पे सांस को, ठीक है। यही स्थिति है नाड़ी शोधन की, इससे नाड़ियों का शोधन होगा। अब ऐसा करना कितनी बार है, कब करना है, इसकी विधि भी बताई गई है। चलिए इसकी विधि मुझे माइक खोल के बोलेंगी किरण जी, बोलेंगी ठीक है। प्रातः मध्य दिने सायं, प्रातः मध्य दिने सोयं, अर्धरात्रे च कुंभकान, अर्धरात्रे च कुंभकान, शनैरसीति पर्यन्तम्, शनैरसीति पर्यन्तम्, चतुर्वारं संभसेत, चतुर्वारं संभसेत। मतलब क्या कहा कि 4 बार करना है, शनै धीरे धीरे करना है, असीति मतलब कि 80 बार करना है, और 80 बार कैसे, प्रातः यानी कि सुबह करना है, मध्य दिन मतलब कि दोपहर को करना है, साय यानी कि सायकाल को करना है, अर्धरात्रि मतलब कि मिडनाइट में करना है, तो 4 बार करना है और कुल 80 बार करना है, तो एक बार में कितने बाटे आएगा, 20 बार यानी कि 20 बार सुबह करो, 20 बार दोपहर को करो, 20 बार रात को करो, शाम को करो, और 20 बार मिडनाइट को करो, तो इस बार टोटल 80 बार हो गया। तो ये करने के लिए बताएगा, इस तरीके से जब हम 3 महीने करेंगे तब नाड़ी का शोधन होगा, ऐसा हट योग प्रदीपिका कहती है। सर एक ही बार में 80 बार करने से नहीं हो पाएगा, कर लो, टाइम पता कितना लगेगा, 2.5 घंटे बैठ जाओगे एक जगह पे। नहीं सर, देखो सामान्य क्या कह दिया, सामान्य रूप से 16, अभी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं पता चल जाएगा, 16, 64 और 32, ये रेशो सामान्य प्रचलन में है, ठीक है। तो आप बताएंगे एक बार में कितना टाइम लगा, एक चक्र में 16 बार में सांस लिया, 64 तक अंदर रोका और 32 में छोड़ा, मतलब कि कितनी सेकंड हो गई, 16 और 64 हो गया हमारा 80, 80 और लगभग इसको 30 मान लेते हैं, 110, और ऐसा ही चक्र वापिस का, क्योंकि 2 का 1 चक्र होता है, तो मतलब कि लगभग हो गया 220 सेकंड। मतलब कि अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 6×3=18, 6×4=24, लगभग 3.5 या 4 मिनट मान लेते हैं, लगभग 4 मिनट एक चक्र में लगा, और ऐसा हमें कितने चक्र करने हैं, 20 चक्र करने हैं, बताए ना 80 बार करना मतलब कि एक बार में 20 चक्र करने हैं। अब 20 को 4 से गुणा कर दो, मतलब कि 80 मिनट तक करना है, और आप कह रहे हो आप 80 बार करोगे, तो मतलब कि आप लगभग 4-5 घंटे करोगे, हैं कर लोगे सर। लेकिन ऐड करना चाहूंगी मैं, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे स्वात्मा जी ने बताया कि प्रातः मध्य साय और मिडनाइट में करना है, क्योंकि हमारे शरीर में जो त्रिदोष है वो 2-2 बार आते हैं, तो वो हर दोष का अपना अलग अलग समय होता है ना सर, हो सकता है उनके शुद्धिकरण के लिए ऐसे करने बोले होंगे। हाँ कुछ भी हो सकता है, इनडायरेक्टली हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा वर्णन है नहीं, वैसे उन्होंने कहा कि 4 बार करना है। ऐसा जब हम और उपनिषद पढ़ते हैं ना, वहां पर भी ऐसी ये स्थिति बताएगी, 4 बार करना है, प्रातः मध्य दिन सायं अर्धरात्रि, ठीक है। तो आप लोग ध्यान कर लीजिए,
चार बार करना है, कुल 80 बार करना है, एक बार में 32 बार करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्थिति बताएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नेट के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि अधम कोटि का साधक की क्या स्थिति होगी, मध्य कोटि का साधना की क्या स्थिति होगी और उत्तम की क्या स्थिति होगी, ठीक है। तो ब्यूटी दास जी मेरे पीछे से बोलेंगी, ब्यूटी दास जी, कनीयसी भवे स्वेदः, कनीयसी भवे सदा, कंपो भवति मध्यमे, कंपो भवति मध्यमे, उत्तमे स्थान मापनोति, उत्तमे स्थान मापनोति, ततो वायुं निबंधयेत, ततो वायु निबंधयेत। मतलब कि कनीयसी, मतलब कि जो अधम कोटि का साधक है उसको पसीना आएगा, और जो मध्य कोटि का जो साधक है उसमें कंपन होगी, और उत्तम कोटि का जो साधक है, जो साधना कर रहा है, उसका शरीर ऊपर उड़ जाएगा, स्थान मापन होती, अपने स्थान से ऊपर उड़ जाएगा। अब यहाँ पे दो धारणाएं हैं, एक तो धारणा है कि शरीर हवा में उठ गया ग्राउंड से, कुछ लोग ऐसा बोलते कि शरीर उठ जाता है ऊपर, लेकिन जैसे कि यहाँ पर भी टिप्पणी में दिया होगा, नीचे जब हम पढ़ेंगे ना, ये रहा कि उसमें प्राण को लिया गया, यहाँ पे देखिए प्राण तत्व को लिया गया, उठना, उठने का मतलब यहाँ पे प्राण को लिया है कि प्राण ब्रह्मरंध्र यानी कि सुषुम्ना में उठता है। तो ये तीन स्थितियां हो गई, यानी कि अधम कोटि का साधक को पसीना आएगा, मध्य कोटि के साधक में कंपन होगी, उत्तम कोटि के साधक में जो हमारा प्राण है ऊपर उड़ जाएगा सुषुम्ना में, ठीक है। इसीलिए ततो वायु निबंधयेत, वायु का निरोध करने, कंट्रोल करें। अब नाड़ी का वर्णन दिया गया कि ग्लेन शर्म जाते न गात्र मर्दन माचरेत दृढ़ता लघुता चैव तेन गात्र से जायते। अब यहाँ पे बताया गया है कि प्राणायाम करने से पसीना आएगा, बताया ना कि बताओ कौन से कोटि के साधक को पसीना आता है, उत्तम, उत्तम कोटि, अधम, 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 अधम को। और हम लोगों की स्थिति तो अधम से भी नीचे है, हम लोग तो वास्तविकता है ये। तो जब हम प्राणायाम करेंगे तो हमें पसीना आएगा, प्राणायाम की पसीने की बात हो रही है, आसन की पसीने की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिए कि जो पानी होगा यानी कि उस मेहनत करने से जो पानी आया है उसको गात्र मर्दन, गात्र यानी कि शरीर पर, मर्दन यानी कि मालिश कर लेनी है, लगा लेना है उसको, जैसे तेल को मालिश करते हैं ना, ऐसे पसीने को ही शरीर में मालिश करनी है, और मालिश करने से क्या होगा, दृढ़ता, दृढ़ हो जाएगा शरीर में, बलशाली हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, है लघुता, हल्का हो जाएगा, चाहिए तेन गात्र, इसीलिए उसको गात के शरीर पे लगाना चाहिए। किसकी बात हो रही है, क्या लगाना चाहिए बताओ, पसीना, पसीना, पसीना कैसे उत्पन्न हुआ, प्राणायाम करने से जो पसीना आता है, अधम कोटि के प्राणायाम से। हाँ, प्राणायाम करेंगे तो उससे पसीना आएगा, पसीना को वेस्ट नहीं करना है, उस पसीने को शरीर पे लगाना है, और लगाने से क्या क्या फायदा होगा, दृढ़ता होगी और हल्कापन आएगा, ठीक है। और बाद में कहा गया कि शुरू में नियमों का पालन करना आवश्यक है, जब अभ्यास हमारा बढ़ जाएगा उसके बाद में इन नियमों का पालन करना कोई आवश्यक नहीं है। ये वाला श्लोक कई बार नेट के पेपर में पूछा गया है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत्वस्य सन हिस्नेहि तथै सेवितो वायु अन्यथा हन्ति साधकम्। देखो आप लोगों को पता है शेर को कैसे सर्कस में कैसे लेके आया जाता है, बताओ, कुछ ऐसा जंगली जानवर है, क्या करते होंगे सर्कस वाले, कोई बताएगा, एनीवन, कैसे वो शेर उसका गुलाम बन जाता है, कुछ टेक्निक अपनाई होगी, क्या अपनाया होगा उसने, इसको वश में करता है सर, दृष्टि कैसे,
दृष्टि एक तक की मतलब घूम तो भोजन द्वारा भोजन भोजन कहलाता है। अच्छा ठीक है जी ममता जी, आप जाना जंगल में, उसको एक बकरा दे देना, वो आपका गुलाम बन जाएगा, क्या बताओ? नहीं सर, और भी टेक्निक है, मतलब ये है, ये हिप्नोटाइज करके। और क्या ये कितने दिन में लगते हैं ऐसी चीज होने में? सर टाइम लग जाता है, सालों भर लग जाएंगे, सालों साल लग जाते हैं। वो ज्यादातर जो होते हैं ना, वो छोटे बच्चे को पालते हैं, शेर का जो छोटा पिल्ला होता है ना, उसको पाल देते हैं, बाद में उसको अपना गुलाम अपने अनुसार उसको काम लेते हैं, तो बाद में जब बड़ा होता है ना, उसके अनुसार ही ढल जाता है, कि उसको भूल ही जाता है, वो यही समझता है मैं यही हूँ, जो बोलेगा वही मैं करूंगा। तो यानी कि क्या कहा जा रहा है कि जैसे शेर को, हाथी को, बाघ को, इनको धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं ना सर्कस वाले, ऐसे ही प्राणों को भी कंट्रोल करना चाहिए। अब आप इस बात का आंसर करो, अगर मैं शेर को कंट्रोल करने में जल्दबाजी करूं तो क्या होगा? सर स्वयं आ जाएगा, स्वयं कंट्रोल नहीं पाएगा, हमारे ऊपर शेर आ जाएगा, वो मैं खा जाएगा, मैं जाके बैठ गया, अरे मैं तेरे को हिप्नोटाइज कर रहा हूँ, वो हिप्नोटाइज के चक्कर में मेरे को कर देगा काम इतनी देर में, एक दिन में नहीं होती चीजें, टाइम लगता है धीरे धीरे। ऐसे ही सेम यहाँ पे बताई गई है, सेम वही फॉर्मूला बताया है कि जैसे शेर, गज, जैसे हाथी, जैसे बाघ, इसको धीरे धीरे बस में करते हैं ना, धीरे धीरे, ऐसे ही जो वायु को भी धीरे धीरे बस में करना चाहिए। अगर गलत किया तो हंती साधकम, उसका नुकसान होगा साधक को, गलत तरीके से जल्दबाजी किया ना कंट्रोल करने में तो बहुत नुकसान हो सकता है। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वयोग समुद्भव, कि अगर हम युक्त तरीके से, सही तरीके से बोलते हैं ना कि भैया पोस्चर ठीक से करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पैटर्न सही होना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। गलत तरीके से ब्रीदिंग किया तो आपको नुकसान होएगा। देखिए यहाँ पे कहा जा रही है चीज, युक्तेन मतलब कि राइट पैटर्न, युक्त सही तरीका, अगर हम प्राणायाम को सही तरीके से करेंगे तो सभी बीमारियां ठीक हो जाएगी, सर्व रोग क्षयो भवे। और अयुक्ताभ्यास, अगर गलत अभ्यास किया तो सारे बीमारियां आ जाएंगी। अब गलत करने से कौन कौन सी बीमारियां आएंगी, ये भी नेट के पेपर में पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया था, पवन से प्रकोपत, मतलब कि हिक्का मतलब कि हिचकी जो आती है वो गलत वायु की वजह से आती है, श्वास मतलब कि जो दमा अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो हो जाएगी, कासच मतलब कि जो खांसी की जो शिकायत है वो भी गलत ब्रीदिंग से होती है, सिर, कान और अक्षी यानी कि आंख, वेदना मतलब कि इन तीनों, सिर, कान और आंखों की विपीड़ा ये होने लग जाएगी, और भवंति विविधा रोग, और भी कई प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। पवन से प्रकोपत है, जब हमारी वायु प्रकोपित होगी, और वायु प्रकोपित कैसे होगी बताओ? गलत तरीके से करने से। वेरी गुड, ऊपर दिया है ना अयुक्त अभ्यास, गलत तरीके से करने से बीमारियां होंगी, और इसीलिए क्या कहा कि युक्तम युक्तम तदेत वायुम, युक्तम युक्तम च पूरयेत, युक्तम युक्तम च बंधनीयात एवं सिद्धिमाप्नुयात, इसीलिए सही सही तरीके से वायु को त्यागे यानी कि एक्सहेल करें, इसीलिए सही सही तरीके से पूरक यानी कि सही तरीके से इनहेल करें, युक्तम युक्तम च बंधनीयात अच्छे तरीके से इसको होल्ड करें, तभी आपको सिद्धि मिलेगी, ऐसे सिद्धि नहीं मिलेगी, ये कहा जा रहा है। तो आज के लिए इतना काफी होगा, टाइम काफी ज्यादा हो गया है, और इससे आगे मुझे पढ़ाना तो था लेकिन कोई बात नहीं, समय हो गया है, तो आप एक काम करना, मैं आपको ड्यूटी देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए, आप आगे के ना अपने आप से हिंदी पढ़ के आया करो, उससे आपको जब मैं समझाऊंगा ना जल्दी समझ आ जाएंगे, आगे के कम से कम 30 श्लोक अपने आप से पढ़ के आए, जैसे आज मैंने 18 करा दिए तो आप 48 तक कम से कम खुद पढ़ना, ये हिंदी वाली पढ़ना, ठीक है? समझ आए या ना आए वो बात अलग है, लेकिन आप पढ़ना अपने आप से। सर इसमें तो षटकर्म आ जा रहे थे,
सत्कर्म पढ़ लो, कोई बात नहीं, मैं आऊंगा ना, मैं भी तो पढ़ाऊंगा कल आपको, क्यों चिंता करते हो? ठीक है, अपने आप से जब पढ़ के आओगे ना तो जल्दी समझ आ जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ जब मैं पढ़ाऊंगा तो। सर प्राणायाम को कंप्लीट कर दीजिए ना सर। मैं सब पढ़ाऊंगा, रुक जाओ, सब कराऊंगा, अपने आप से पढ़ो फिर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, अब आज के विषय में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। सर कल संडे है, कल भी क्लास होगी क्या सर? नो, कल मौज करो, मंडे को मिलेंगे। ओके सर। कल अपने नोट्स पूरे कर लो अच्छे तरीके से, रिवीजन कर लो, मंडे को आते ही मैं पहले भागवत गीता का भी टेस्ट लूंगा और घेरण संहिता का जो परिचय कराया था उसका भी टेस्ट होगा और हठ योग का यहाँ तक का टेस्ट भी होगा और नोट्स भी चेक करूंगा। मौज करने के लिए टाइम कहाँ बचा सर, ये तो कम पड़ रहा है, इतना सर है। नहीं नहीं, वो मैं मेरे से जल्दी आप छोड़ दो, कैसे कराना सिलेबस मेरे ऊपर। कम पड़ रहा है तो संडे तो ऐसे ही निकल जाएगा। आप पढ़ो अच्छे से, रिवीजन भी तो करोगे आप, ठीक है। अच्छा ये हो गया, अब और आपको बताना है अभी मेरे को। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जो आज मैंने पढ़ाया आपको, पद्मासन का लाभ बताएं, मैसेज करें, बाद में डाउट लूंगा, टाइम बहुत हो गया। पद्मासन का लाभ बताओ पहले। अर्पित मिश्रा जी माइक खोल के बताइए। यस सर। बताइए पद्मासन का लाभ। सर पद्मासन करने से हमें आदि और व्याधि रोगों से मुक्ति मिलती है, जैसे मानसिक रोगी, शारीरिक रोगी और ज्योति पांडे जी इन्होंने क्या गलती किया? जी सर। अर्पित जी ने क्या गलती किया? माजी मैडम बताइए। सर वो आदि भी बोल दिया, व्याधि का नाश होता है ना, आदि नहीं आएगा, ये गलती किया इन्होंने। और इसके अलावा और क्या बेनिफिट है? इसके अलावा जो है मुक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, ठीक है। यस सर। और ठीक है, अब मुझे बताएंगे कि सिंह आसन में दृष्टि कैसी होनी चाहिए? नीलू जी मुझे बताएं। हाँ सर। दृष्टि कैसी होगी सिंह आसन में? सर सिंह आसन में दृष्टि ना नासाग्र पे होगी। बहुत बढ़िया, नासाग्र दृष्टि होगी, वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे बताएंगे कि मन को कैसे कंट्रोल, मन का कंट्रोल करने का क्या फार्मूला दिया है? अरुणा मैडम बताएं मेरे को। यस सर, मन को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम के माध्यम से मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल होगा वो फिजियोलॉजी समझाओ। क्या सर? फिजियोलॉजी समझाओ, कैसे कंट्रोल होगा प्राणायाम से? भूल गई। किरण जी बताओ। धीरे धीरे वायु को लेना सर, प्राणायाम और रिलैक्स से कंट्रोल किया जा सकता। थोड़ा और अच्छा कौन बताएगा मुझे? खुशबू जी बताओ। हाँ यस सर, मैं ट्राई करती हूँ। सर मन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने प्राणायाम के बारे में बताया है कि जब तक वायु चल रही है तो हमारा चित्त भी चंचल रहेगा, है ना। जैसे जैसे वायु हमारी शांत होती है तो हमारा चित्त भी शांत हो जाता है और स्थिरता आती है, इसीलिए प्राणायाम करना जरूरी है। मतलब वायु, प्राण और मन एक दूसरे के पूरक बताए हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये फिजियोलॉजी है, ठीक है, इसीलिए प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है, नाड़ी शोधन की विधि कौन बताएगा मेरे को? नाड़ी शोधन की विधि ना ना रुको 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 प्रेरणा जी बताओ।
जी सर, नाड़ी शोधन की विधि बताओ। इनहेल राइट, फिर एक्सहेल लेफ्ट, फिर इनहेल और फिर कुंभक लगाना है, फिर राइट से एक्सहेल। थोड़ा सा चूक गए आप, स्टार्टिंग जो मैंने फोकस किया था वो चीज चूक गए आप। गौरी यादव जी बताएं, मैसेज करो। गौरी यादव जी बताएं, गौरी जी बिल्कुल भी खुश नहीं हम आपसे, माइक ही नहीं खोलते आप। सर खोली तो थी लास्ट टाइम भी, तो जवाब दी थी ऑफिस। बोलो बोलो, नहीं दे पाती हूँ। बोलिए बोलिए जी। सर सवाल क्या था? नाड़ी शोधन की विधि बताओ। सर वो क्या बोलते हैं, चार बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात, जिसमें कि हर टाइम मतलब सुबह 20 बार, दोपहर 20 बार, शाम को 20 बार और रात को 20 बार, ऐसा करके 3 महीने तक करना है। मेथड बताओ कैसे करते हैं इसमें। मेथड सर राइट से यानी लेफ्ट से लेना है, फिर राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से छोड़ना है। हाँ, और होल्ड भी करना है, ठीक है। हाँ, इसमें दूसरे दिनों में नाड़ी शुद्धि हो जाएगी। नहीं सर, 16, 64 और 32 का रेशियो है। रेशियो बताया नहीं है, वो मैंने दूसरे ग्रंथों का ऐसे बता दिया, इस ग्रंथ में नहीं बताया, ध्यान रख लेना। 3 महीने सर, 3 मंथ इस ग्रंथ में है नहीं, वो मैंने ऐसे बताया था, दूसरे का अनुभव बताया। इसमें कहीं 16, 64 नहीं लिखा इस ग्रंथ में। 3 मंथ तक करना है सर। 3 महीने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नकुल जी मुझे बताएंगे, हाँ, पसीना किसको आता है, कंपन किसको होती है, और ब्रह्म जो प्राण ऊपर किसका उठता है, साधकों की पहचाने क्या है। नकुल प्रसाद जी बताएं। नकुल जी बिल्कुल खुश नहीं हूँ आपसे मैं। सर मैं बोलूं? सर मैं बोलूं? ब्यूटी दास जी बताइए। सर अधमकोटी साध, अधमकोटी जो साधक है उसको पसीना आएगा, और मध्यम कोटि जो साधक है उसका कंपन आएगा, और उत्तम कोटि जो साधक है उसका प्राण प्राण है वो ऊपर उठ जाएगा सुषुम्ना में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है आप लोगों से, तो पसीना आ जाएगा तो उस पसीने का क्या करना चाहिए मुझे बताएंगे। सर मैं बताऊं? स्नेहा जी, स्नेहा राव सर बोलो। सर मैसेज मैसेज, हाँ बोलो जी। जब पसीना आएगा तो उस पसीने को अपने पूरे शरीर में उसको मल लेना चाहिए, लगा लेना चाहिए, जिससे क्या होगा हमारा शरीर में दृढ़ता आएगी और हल्कापन महसूस होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो आगे का समय हो गया, मुझे कहीं जाना है अभी अर्जेंटली, 3 बज गए हैं, तो यहीं पे हम कक्षा को ओवर करते हैं, और आपके डाउट मैं बाद में लूंगा, तो हम शांति पाठ करते हैं अभी, तो कमर गर्दन सभी सीधा करके बैठ जाएंगे। और कल मंडे को मैं टेस्ट लूंगा आप लोगों का, पहले जितना मैंने आज तक कराया, भागवत गीता, गेरन संहिता, हट्योपर दीपिका, और सारे नोट्स मैं चेक करूंगा, अच्छे से आप लिख के आना सभी। कमर गर्दन सीधा, आंखें बंद कर लें। ओम व्योह शांतिरंतरिक्षधम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वदम शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथ मिलाएं, रब करें, आंखों पे लगाएं, आपके सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम सर। नमस्ते सर। ओम सर।